दिन दहाड़े बंदूक की नोक के साथ ही बैंक को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी देकर लाखों रुपए की लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 5 दिन के भीतर दोनों लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनसे पुलिस पूछताछ में जुटी है। बदमाश महंगे शौक पूरा करने के आदी हैं और उसमें से एक अपने आप को डॉक्टर बता रहा है। दोनों बदमाशों ने अपने ऊपर हुए कर्ज को चुकाने के लिए नकली बंदूक और नकली डायनामाइट बनाकर बैंक अधिकारी और कर्मचारी को धमकी दी और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी अजमेर एसपी चूनाराम जाट ने बताया कि 7 अक्टूबर को खोड़ा गणेश रोड पर स्थित इंडियन बैंक के मैनेजर कुलदीप सिंह द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके बैंक में हेलमेट पहने हुए दो बदमाश पहुंचे और हाथ में बंदूक लिए धमकी देते हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसे डायनामाइट बता रहे थे उसे उड़ाने की धमकी भी दी। बैंक में रखे सारे पैसे बैग में भरने की बात कही जिसके चलते वह घबरा गए और 37,06,130 की राशि उन्हें दे दी। इसके बाद उन्होंने लॉकर खोलकर अन्य रकम भी देने की बात कही। समय लगने पर वह दोनों वहां से भाग गए। पुलिस ने इस संबंध में तुरंत पुलिस अधीक्षक मनीष शर्मा और थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन करते हुए बदमाशों की पहचान के लिए आसपास में लगे सभी कैमरे खंगाले और हर मार्ग पर पुलिस ने नाकाबंदी भी की। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान हेलमेट खोलने पर करते हुए उनकी तलाश शुरू की तो मालूम हुआ कि वह एक बदमाश प्रेम सिंह है जो गंज थाना क्षेत्र के काजीपुरा में रहता है, तो वहीं दूसरा बदमाश कमलेश है जो अपने आप को डॉक्टर बताता है और हाई प्रोफाइल शॉप करने का आदी है। यह बापूनगर सुंदर विलास क्षेत्र में रहता है। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे कड़ी पूछताछ की गई। आरोपियों ने 3 दिन के भीतर 1,25,000 की राशि भी अपने शौक पूरा करने के लिए उड़ा दी। वहीं इसे अन्य राशि बरामद करने का प्रयास भी किया जा रहा है। साथ ही उनके पुराने रिकॉर्ड को खंगालते हुए पूरे मामले की विस्तृत जांच की जानी है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। ये किशनगढ़ शहर के अंदर जो मदनगंज थाना इलाका है वहाँ खोड़ा गणेश जी रोड पे जो इंडियन बैंक है वहाँ के मैनेजर ने 7 तारीख को मुकदमा दर्ज करवाया कि हमारे यहाँ पे दो नकाबपोश आए और उन्होंने एक हथियार दिखाते हुए हमारे यहाँ पे लूट की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद में हमारी जो किशनगढ़ सीओ सर्किल की जो स्पेशल टीम है और जो हमारी साइबर टीम है उन्होंने पूरा प्रयास करते हुए और पूरे लगभग 800 के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसके आधार पे दो व्यक्तियों को है वो ट्रेस आउट किया कि ये इस वारदात के अंदर शामिल हैं, जिसमें एक तो कमलेश है जो यहाँ कोतवाली थाने इलाके का रहने वाला है जो अपने आप को बताता है कि मैं डॉक्टर हूँ। दूसरा प्रेम सिंह है जो काजीपुरा गंज थाना इलाके का रहने वाला है। ये दोनों ही कर्जे में डूब गए थे और उन्होंने ये जिसमें से प्रेम सिंह है ये वहाँ पे एसी ठीक करने का काम करता है किशनगढ़ इलाके के अंदर, तो इसे पता था कि ये बैंक है जिसके अंदर गार्ड नहीं है और इन्होंने पहले दिन पूरी रेकी की। फिर इन्होंने यहाँ अजमेर से ही खिलौनानुमा हथियार है वो खरीदे, ओरिजिनल हथियार नहीं थे, और एक फर्जी तरीके से एक लकड़ी के बक्से पे डायनामाइट टाइप में तैयार करके कि अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए तो हम इस पूरी बैंक को उड़ा देंगे। इसे बैंक कर्मचारी डर गए और उन्होंने जो 3,76,000 के आसपास की राशि थी जो उनको सुपुर्द कर दी। हमारी पूरी पुलिस टीम ने बांदरसिंदरी की तरफ, रूपनगढ़ की तरफ, अराई की तरफ और अजमेर शहर की तरफ के सारे सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगाले और उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लास्ट में जब अजमेर के अंदर इनका बिना हेलमेट के जब फेस दिखाई दिया तो फिर मुखबिरों को तैनात करके और उनसे इनकी पहचान करवाई गई। इसमें एक चीज़ जो ये इन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए वहाँ बैंक के अंदर ये मोबाइल पे बात करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि उस समय इनका मोबाइल है वो फ्लाइट मोड पे था ताकि पुलिस है वो दूसरे रास्ते की तरफ जाए। और मैं पूरी किशनगढ़ सर्किल की टीम को बधाई देता हूँ कि इतनी बड़ी वारदात को इतने कम समय के अंदर खोल करके आम जन के अंदर जो पुलिस का आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय का जो स्लोगन है उसको सार्थक किया है। 3,76,000 के आसपास की राशि है वो उस समय लूट ली गई थी और अभी हम बरामदगी के प्रयास कर रहे हैं, जल्दी ही राशि बरामद कर लेंगे। अभी इनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में सभी थानों को भेजा है जिसे इनका आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में, लेकिन इनका जो आचरण है वो फ्रॉड टाइप का है और इन्होंने जो मौज मस्ती के वजह से इनके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था और कर्जे को उतारने के लिए ही इन्होंने बैंक लूट की योजना बनाई।
नकली हथियार थे जैसा आप बता रहे हैं, वो नाटक कर रहे थे फोन पे बात करने का, तो किसी सीरियल वगैरह को देख के कुछ ऐसा कुछ बताया क्या उन्होंने, किसी सीरियल को देख के? अभी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं, और इसके अलावा जहाँ से इन्होंने जो नकली हथियार है, जो खिलौने नुमा हथियार है, जो खरीदे हैं, उस दुकानदार से भी पूछताछ की जाएगी कि आपके यहाँ से, और उनके सीसीटीवी से मिला करके इनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करके इनके खिलाफ है वो चार्जशीट पेश की जाएगी। और भी कोई साथी थे? नहीं, इनके अभी ये दो ही साथी थे, और आगे ये इनको जो अगर किसी ने सहयोग किया है उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है।